छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों में आकाश है और बाहों में संसार। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले आधारभूत ढांचा, यानी कि मकान जब बनता है तो नींव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, है ना। आप बाकी कितनी भी चीज़ें कर लें, अगर नींव कमजोर है तो उस मकान का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से मैं अगर RS एग्जाम की बात करूँ तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और आधारभूत ढांचा नींव को मजबूत कीजिए। जैसे मैं भूगोल की बात करूँ तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, भारत का नक्शा लीजिए, भारत के नक्शे के अंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है, कौन कौन से राज्य कहाँ पर है, कौन कौन सी जगह कहां पर है, भारत की प्रमुख जगह। जैसे कि आप लेके विश्व विरासत स्थल लेकर के बैठे हो तो देखो विश्व विरासत स्थल कौन से स्टेट में, प्रमुख अभयारण्य है तो कौन से स्टेट के अंदर है, प्रमुख खनिज संसाधन कहां निकलते हैं, कृषि के अंदर देखो कौन से प्रदेश के अंदर कहां पे कृषि होती है, सारा का सारा मैप से समझिए। NCERT की बुक्स निकालिए, उससे समझिए अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बेसिक जो चीज है उससे आप अपनी शुरुआत कीजिए। इसी तरीके से राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भूगोल के अंदर मैप के अंदर देखो टोटल जिले हैं, उनकी लोकेशन दिमाग कौन सा जिला कहाँ है, किस किस जिले के साथ किस जिले का बॉर्डर लगता है ना। और इंटर स्टेट की अगर बात करें तो कौन कौन से जिले हैं जो सीमाएं लगते हैं, दूसरे जो स्टेट है उनके कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान के साथ में लगती है। तो देखो अरावली प्रदेश कहाँ पर है, मरु प्रदेश कहाँ पे है, अर्ध शुष्क प्रदेश कहाँ पे है, बागड़, मतलब हर जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी मिट्टी कहाँ पर है राजस्थान के मैप के अंदर देखो, इसी तरीके से दिमाग के अंदर ये बैठा हो कौन से खनिज संसाधन कहाँ पर निकलते हैं, नदियाँ कहाँ कहाँ से कौन से किस जिले के अंदर, तो सारा का सारा मैप से जो बेसिक तैयार करो। इसी तरीके से इतिहास है तो इतिहास के अंदर भी बात है, प्राचीन काल के सवाल कम पूछे जाते हैं, मध्यकाल के कम होते हैं, तो उसको आप सिर्फ भले लूसेंट गाइड से कर लो, NCERT से पढ़ो, शुरू में पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ज्यादा जोर किस पे देना है, राष्ट्रीय आंदोलन पे देना है, स्पेक्ट्रम की जो गाइड है बहुत अच्छी गाइड है, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार करो। इसी तरीके से अगर विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में मतलब विज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन आप पिछले सालों के पेपर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि साहब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित, मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित, कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सवाल है ज़्यादा होते हैं। और कुछ टॉपिक हैं जैसे मानव के पाचन तंत्र से संबंधित, रक्त से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित, अब कंकाल तंत्र से संबंधित कभी आज तक सवाल पूछे ही नहीं गए, तो कहाँ से अब और दोबारा पूछे, और पूछे जाएंगे तो दायरा इतना ब्रॉड है उसको मत छोड़ दो आप, ठीक है। आप सिलेबस पे फोकस कीजिए, नींव मजबूत कीजिए, देखिए पिछले सालों के पेपर को उठाकर जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही तैयारी कीजिए। फिजिक्स है, अब फिजिक्स आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको पता है कि डॉपलर प्रभाव समझ में नहीं आना है ना, और बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आनी, तो बेसिक टॉपिक देखो ऐसे कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 10-20 सवाल है, ठीक, सारे के सारे सही हो नहीं सकते, चाहे 10 पूछे 20, आप कोशिश ये करो 70% या 60% आपके हर पोर्शन के अंदर सही हो जाए। मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो मैथ्स रीजनिंग में भी वही पोर्शन है देखो जिसको इजीली आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि आर्ट्स के कैंडिडेट के मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसमें देखो कि कौन से इजीली कम समय के अंदर आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जान देने की जरूरत मैथ्स वगैरह पर नहीं। करंट अफेयर्स के अंदर आप देखिए एक अच्छी सी मैगजीन रोज पढ़िए, और नहीं तो अखबार रोज पढ़िए, TV जो चैनल है उस पर न्यूज़ देखते रहिए, बाकी करंट को याद कर लीजिए, करंट की एक अच्छी सी डायरी बनाइए रोज, उसके अंदर लिखते रहिए चीज़ें, एंड कौन कहाँ पर क्या है, अवार्ड किसको क्या मिले हैं, तो पिछले सालों के पेपर देखो कौन सी जगह चर्चा के अंदर है, कौन सी कमेटी आई है, इस तरीके से करण और रुचि से विकसित कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के पास में श्रद्धा होगी ना वो कैसा भी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप चिंता मत करो, अगर जानने का जज्बा है और इच्छा का भाव है कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे सीखना, तो असंभव कुछ भी नहीं। ये बात होगी करंट अफेयर्स की। इसी तरीके में बात करूं राजस्थान GK पे अच्छे तरीके से फोकस करो, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, उसके लिए शुरुआत में राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़िए, है ना, बड़ी बड़ी अंबार जो किताबों के वो मत पढ़िए, बेसिक से शुरुआत कीजिए, नींव मजबूत कीजिए, फिर उसके अंदर आप अच्छे डिजाइन करवाते हो, कलर करवाते हो, वो आपकी मर्जी, और नई नई जो चीज़ें हैं वो आप करवाते रहो, ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण है, उसका अतिरिक्तांक बहुत अच्छा है, राजस्थान की आर्थिक जो समीक्षा है उसको बहुत अच्छे तरीके से करो, और मित्रों से चर्चा करो कि देखो आज मैंने कृषि के बारे में पढ़ा, ये उद्योग के बारे में ये पढ़ा, महिला विकास के लिए यही योजना, चलो याद करो, और अपने भाई बहन अपने किसी दोस्त है उनको सुना दो, आप फ्री हो जाओगे। आप सुना दो कि राजस्थान का भी जो बजट आया उसकी ये मेन पॉइंट है, हृदयंगम कर लो, चीज़ों को याद करो, कल पर डिपेंड ही मत रहो, है ना, जो करना है याद आज कर लो, ठीक है, और उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ। अब इसी तरीके से अगर और बात करूं तो भारतीय संविधान के लिए M. लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है बहुत ही बढ़िया है, अच्छे तरीके से पढ़ो, जो सिलेबस के अंदर है, क्योंकि मेंस के अंदर भी पॉलिटी का जो पोर्शन है बहुत बड़ा पोर्शन, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, क्वालिटी पूछे जाते हैं, तो संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से करो। तो कहने का मतलब है चाहे कोई भी पार्ट हो, है ना, तैयार कैसे करना है, NCERT से शुरुआत में तैयार करो, और बेसिक जो है ना उससे शुरुआत करो, फिर बाकी चीज़ें और बाद के अंदर आप होती रहेगी। NCERT की बुक्स लेके आओ, या राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें वो पढ़िए, सिलेबस सामने रखिए, नींव को मजबूत कीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा।